हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइस, मैं आपको क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स कराऊंगा हिंदी में। अगर आप क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा गाइस, ताकि आपके लिए जो मैं रोजाना इकोनॉमिक्स की जो वीडियो अपलोड करता रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिल जाए गाइस। साथ के साथ अगर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा उस पे कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइस। गाइस, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सभी बच्चों का मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक, और वो ये है कि जब कंज्यूमर के अपना टेस्ट चेंज होता है, उसकी रुचि उसकी प्राथमिकता के अंदर चेंज आता है, तो उसका डिमांड पर जो है क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे मांग में वृद्धि होगी, कमी होगी, विस्तार होगा, संकुचन होगा, क्या होगा, मांग वक्र खिसकेगा नहीं खिसकेगा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है ये। तो ये सारी की सारी दिक्कत परेशानी आपकी आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रुचि और प्राथमिकता, क्या दिक्कत क्या परेशानी है। मैंने आपको ये बताया था कि जी किसी भी व्यक्तिगत मांग को चार फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वस्तु की अपनी कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और संबंधित वस्तु की कीमत। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो वस्तु की अपनी कीमत है इस फैक्टर को तो कहते हैं जी कीमत कारक। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कीमत कारक। लेकिन ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, ये वाला उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और संबंधित वस्तु की कीमत, इन तीनों को क्या कहते हैं? इन तीनों को कहते हैं कीमतेतर कारक। क्या कहते हैं इसको? कीमतेतर कारक। इसकी वजह से, जो कीमत कारक की वजह से जो होता है उसको कहते हैं विस्तार और संकुचन, लेकिन जो इन तीनों की वजह से होता है उसको कहते हैं वृद्धि और कमी। तो उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि या संबंधित वस्तु, इन तीनों की वजह से क्या होगा? वृद्धि और कमी होगी, और वृद्धि और कमी की वजह से मांग वक्र शिफ्ट होता है। वृद्धि जब होती है तो राइट वर्ड, और कमी जब होती है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। अब आ जाइए मुद्दे पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक पर्सन लिया, मिस्टर रोहित, मेरे को ही ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आधे बच्चों को तो मेरा नाम ही नहीं पता है, भैया रोहित नाम है, ठीक है। तो एक पर्सन है मिस्टर रोहित, ये क्या कर रहा है, ये पहले जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखता था। क्या देखता था? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखता था। वैसे मैं टीवी नहीं देखता हूं, मैं आपको बता दूं, बट फिर भी अज्यूम कर लीजिए मैं जो है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखता था। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट किस में हो गया? अब मेरा इंटरेस्ट जो है जी कलर टीवी में हो गया। किस में हो गया? कलर टीवी के अंदर हो गया। यहां से मेरा इंटरेस्ट चेंज होकर यहां पे आ गया। तो आप ये बताओ किसकी मांग बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी इसकी, और किसकी मांग घटेगी? इसकी घटेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी मांग को कम कर दिया, उसकी मांग को बढ़ा दिया। तो इसका ग्राफ पे जो है कैसे इफेक्ट पड़ता है, आपको डिपेंड करता है आपको किसका पूछ रहा है। मैं आपको दोनों का बना के दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं, चलो कलर टीवी का बना रहा हूं मैं, ठीक है, किसका बना रहा हूं? कलर टीवी का। बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, ये वाई एक्सिस हो गई आपकी, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, यहां पर क्या आता है जी? कीमत ही आती होगी, हाँ जी कीमत ही आती है, और यहाँ पर क्या आता है जी? यहाँ पर आती है मांग। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसका बना रहा हूं ये मैं? कलर टीवी का। किसका बना रहा हूं? कलर टीवी का। इधर इतनी कीमत पर इतने कलर टीवी बिकते थे, ओपी कीमत पर ओ एक्स कलर टीवी बिकते थे यहां पर, ठीक है, ये आ गया इधर, इतनी डिमांड होती थी, ठीक है। इस पॉइंट पर मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही देखता हूं, इस पॉइंट पर मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही देखता हूं, लेकिन अब क्या हुआ, मेरी रुचि चेंज हो गई, मेरी प्राथमिकता चेंज हो गई, मैं अपना प्रेफरेंस अब ब्लैक एंड व्हाइट से हटकर कलर टीवी को दे रहा हूं। तो कलर टीवी की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन कलर टीवी ने कुछ नहीं करा, कलर टीवी अभी भी इतने ही रुपए का था और अब भी इतने रुपए का है, लेकिन उसकी मांग बढ़ गई। उसकी मांग क्यों बढ़ गई? क्योंकि मैंने अपनी रुचि अपनी प्राथमिकता को चेंज कर लिया, तो क्या हुआ, इसकी मांग बढ़ गई। और मांग वक्र किधर हो गया जी? D1 एथे। देखो प्राइस अभी भी उतना ही है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, प्राइस तो अभी भी ओपी था, तब भी ओपी है, लेकिन डिमांड में क्या हो गया?
डिमांड बढ़ गई इतनी, OX1 इतनी डिमांड बढ़ गई। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ने करा ये सब कुछ, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को छोड़कर किस पे आ गया, कलर टीवी पर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर ऐसा भी हो सकता है, मान लो कलर टीवी से ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाए, जिसकी रुचि पहले कलर टीवी में थी, अगर उसकी रुचि ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए तो अब क्या होगा, अब कलर टीवी की डिमांड कम हो जाएगी और ब्लैक एंड व्हाइट की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन कलर टीवी ने कुछ नहीं करा, कलर टीवी अभी भी उतने का ही था और अब भी उतने का ही है, लेकिन उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका डिमांड कर्व जो है किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा जी एथे D2, ये इधर और ये इधर। लेकिन इसने अभी करा कुछ नहीं है, ये अभी भी ओपी रुपीज का ही है, लेकिन इसकी डिमांड क्या हो गई, इसकी डिमांड हो गई जी कम। और ऐसा क्यों आए, क्योंकि जो कंज्यूमर पहले क्या देख रहा था, कलर टीवी देख रहा था, वो कंज्यूमर अब क्या करने लग गया, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को देखने लग गया। तो ये है जी, जब कंज्यूमर अपनी रुचि अपनी प्राथमिकता में चेंज लेकर आता है तो उसका डिमांड पर कैसे इफेक्ट पड़ता है विद ग्राफ। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर परेशान करने के लिए दे ही दिया है, जहां पर भी आप परेशान करना चाहो वहां पर आप मेरे को परेशान कर सकते हो। अपने डाउट को क्लियर कीजिए, डाउट को डाउट मत रहने दीजिए, क्योंकि अगर डाउट डाउट रह गया तो भैया आगे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अपने डाउट को क्लियर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो दिक्कत जो परेशानी आपकी सॉल्व हुई है, वो दिक्कत वो परेशानी आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स वगैरह की भी जो है वो सॉल्व हो जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, लाइक करने से मैं मोटिवेट होता हूं, मैं मोटिवेट होऊंगा तभी आपके लिए यार वीडियो बना पाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। 6 मिनट 7 मिनट अगर मेरे लिए खराब कर रही है, 1 मिनट खराब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इतना जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, कैसी भी लगी हो, अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि सर जी मैं इस एक्सपीरियंस से मुझे आपका रिस्पांस पता चलता है कि भैया मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं आपके कुछ समझ भी आ रहा है या बहुत ऊपर से जा रहा है। तो कमेंट करके इसे मुझे इतना जरूर बता दीजिएगा कि सर जी मेरे इतनी ऊपर से जा रहा है बस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।